बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अंगरट्ठा स्टाइल दिखाऊंगी बच्चियों के, नन्ही परियों के फ्रॉक या शॉर्ट या जीन, जिसके साथ आप चूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से पसंद कर सकते हैं। अंगरट्ठा स्टाइल में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं और उनके ड्रेसेस यहाँ से पसंद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर। अंगरट्ठा स्टाइल में आप फ्रॉक भी बना सकती हैं, आप समोसा, जैसे यहाँ पर शलवार बनी हुई है, समोसा शलवार के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको जीन्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इसको आप शलवार कमीज़ के साथ भी, ड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गरारे के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अंगरट्ठा एक ऐसी चीज़ है, उसके डिज़ाइन इतने सारे होते हैं कि आप इसको किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मतलब कॉम्बिनेशन के साथ इसका मैचिंग करा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और आप यहाँ से कोई भी अपना पसंद कर सकते हैं और अपनी बच्चियों के लिए स्टिच करा सकते हैं। यहाँ पर ट्राउज़र के साथ इसको यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर फ्रॉक के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी आपको शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे डिज़ाइन देखने को मिलें। कैजुअल फ्रॉक के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी लगती हैं छोटी नन्ही परियां जब इस तरह से ड्रेसिंग अच्छी अच्छी की हुई होती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।